मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, हर भारतीय के लिए वो वक्त गौरवशाली पल होगा। लेकिन इस गौरवशाली पल के पहले के 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि इन 15 मिनट में चंद्रयान 3 चार फेज के तहत लैंडिंग की प्रोसेस को पूरी करेगा। क्या है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के चार फेज, आइए इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इसरो सहित सभी भारतीयों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन साथ ही इसरो के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम है। लैंडिंग के ये आखिरी 15 मिनट रोमांच से भरे होंगे और यही 15 मिनट चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मिशन के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी है, इसके लिए लैंडिंग की प्रोसेस चार फेज से होकर गुजरेगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के ये फेज है रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज। चलिए अब आपको एक एक करके सभी चारों फेज समझाते हैं। रफ ब्रेकिंग फेज, लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो पहला फेज रफ ब्रेकिंग फेज होगा। ये लगभग 690 सेकंड का होगा। इस फेज में लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा शुरू करेगा और उसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के चार इंजन फायर किए जाएंगे। अंतरिक्षयान 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, रफ ब्रेकिंग फेज के बाद शुरू होगा दूसरा फेज एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान इसकी गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर चार इंजन फायर किए जाएंगे। फाइन ब्रेकिंग फेज, तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेज होगा। इस चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा को शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड शून्य हो जाएगी और वह कुछ देर तक मंडराएगा। फाइन ब्रेकिंग फेज बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि यहां से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग एरिया का मुआयना करेंगे। यह एरिया लैंडिंग के अनुकूल है या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। यहां लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस एरिया पर लैंड करना है या नहीं। अगर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो लैंडर वहां से 150 मीटर और दूर चला जाएगा और वहां से लैंड करेगा। टर्मिनल डिसेंट फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज आखिरी फेज होगा। इस फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी, तब वह धीरे से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस वक्त लैंडर की रफ्तार केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर उतरकर एक नया इतिहास रचेगा और हर भारतीय गौरव का अनुभव करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का आप सभी के साथ हमें भी बेसब्री से इंतजार है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।